हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वी आर डूइंग अ चैप्टर, द 11th चैप्टर दैट इज टाइटल्ड नेशनल प्रेजुडिसेस। वी आर डूइंग इट दीज डेज एंड वी फिनिश्ड सम पोर्शंस ऑफ इट टिल यस्टरडे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। सो प्लीज ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 110। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। और कल हमने पढ़ा कि किस तरह राइटर हमें बताते हैं कि बहुत सारे पुराने कहावतों में से उनको एक ही कहावत ऐसा लगता है जो बहुत ही अच्छे से उनके जज्बातों को बयां करता है और बहुत ही अच्छे से रीडर्स को समझा सकता है। कि एक बार एक फिलोसोफर को जब पूछा गया कि वो क्या सोचते हैं, कि वो किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, जब उनको ये पूछा गया तो उन फिलोसोफर ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का सिटीजन हूँ, आई एम ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने पूरी दुनिया को एक मान के जवाब दिया। तो यहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हाउ फ्यू आर देयर टू बी फाउंड इन मॉडर्न टाइम्स हु कैन से द सेम और हुज कंडक्ट इज कंसिस्टेंट विद सच अ प्रोफेशन। आजकल के दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो इस तरह बात कर सकते हैं, जो इस तरह कह सकते हैं और जिनकी बात इतनी, मतलब जो जिनकी बात इतनी दावे के साथ बराबर बैठती हो। इस तरह के बात कहने वाले आज लोग कितने हैं, आज लोग इस तरह के कितने लोग हैं। ओके, वी हैव नाउ बिकम सो मच इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, डच मैन, स्पेनियर्ड्स और जर्मन्स दैट वी आर नो लॉन्गर सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम इतने टुकड़ों में बांट चुके हैं कि कोई अंग्रेजी हो, कोई फ्रेंच का है, कोई जर्मन है, और हमने अपने आप को एक दुनिया का या सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड अपने को कहना हमने छोड़ दिया है। सो मच द नेटिव्स ऑफ वन पार्टिकुलर स्पॉट और मेंबर्स ऑफ वन पेटी सोसाइटी। हम इतने एक जगह तक महदूद होकर रह चुके हैं या एक छोटे एक माशरे से महदूद हो चुके रह चुके हैं दैट की वी नो लॉन्गर कंसिडर आर सेल्व एज द जनरल इनहेबिटेंट्स ऑफ द ग्लोब। अब हम अपने आप को इस ग्लोब का, इस दुनिया का वासी, इस दुनिया का बाशिंदा अब हम अपने आप को नहीं समझते। और मेंबर्स ऑफ दैट ग्रैंड सोसाइटी विच कम्प्रिहेंड्स द होल ह्यूमन काइंड, या हम अपने आप को सदस्य नहीं समझते उस अजीम माशरे का जो एक तरह से पूरे इस इंसानियत को, इस पूरे इंसान के सारे इंसानों को एक तरह से क्या करती है, एक तरह से एक शक्ल देती है, एक माशरा बनाती है, उसका हम अपने आप को अभी हम क्या नहीं समझते, एक मेंबर हम नहीं समझते। डिड दिस प्रेजुडिसेस प्रिवेल ओनली एमंग द मीनेस्ट एंड लोवेस्ट ऑफ द पीपल। क्या इस तरह का तासुबी और बदगुमानी का ख्याल सिर्फ बदजात, सबसे बदबख्त और सबसे लो दर्जे के, सबसे नीचे दर्जे के लोगों में पाया जाता है? परहैप्स दे माइट बी एक्सक्यूज्ड। अगर ऐसा होता है तो उसको तो हम माफ कर सकते हैं। एज दे हैव फ्यू इफ एनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ करेक्टिंग देम बाय रीडिंग, ट्रेवलिंग और कन्वर्सिंग विद ए फॉरेनर। क्योंकि उन लोगों को मुश्किल से अगर मिलता होगा तो कोई भी ऐसा मौका मिलता होगा जब वो पढ़ के या सफर करके, ट्रेवल करके या नहीं तो किसी फॉरेनर से बात करके अपनी गलत फहमी को दूर कर पाए। ऐसा हमारे नीचे तबके के, अनपढ़ और छोटे तबके के लोगों में इस तरह का मौका उनको बार बार नहीं मिलता। बट द मिसफॉर्चून इज दैट दे इन्फेक्ट द माइंड्स एंड इन्फ्लुएंस द कंडक्ट इवन ऑफ आवर जेंटलमैन। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इस तरह का तासुबी सोच जो है हमारे जो जेंटलमैन, हमारे जो जो एक शरीफाना लोग हैं उनके दिमागों को भी असर करता है और उनके शख्सियत पर भी इसका बहुत गहरा असर होता है। ऑफ दोज आई मीन हु हैव एवरी टाइटल टू दिस एपिलेशन बट एन एक्सेम्पशन फ्रॉम प्रेजुडिस। मगर मैं उन लोगों, उन शर्फियाना लोगों की बात कर रहा हूँ, जेंटलमैन की बात कर रहा हूँ, जिनके दिखावे के लिए, जिनके प्रिटेंस के लिए हर तरह का उनको खिताब दिया जा सकता है, हर तरह का क्वालिफिकेशन उनके पास है, मगर ये कि वो लोग प्रेजुडाइज भी करते हैं तो ये चीज़ भी उनमें शामिल होना एक बहुत ही घटिया चीज़ है, ख़राब चीज़ है। विच हाउ एवर इन माई ओपिनियन आउट टू बी रिगार्डेड एज द टिपिकल मार्क ऑफ ए जेंटलमैन। क्योंकि मेरे हिसाब से एक जेंटलमैन होने का एक ही निशानी यही है कि वो इस तरह के प्रेजुडिस से बाहर हो, इस तरह के तफरुकाना सोच नहीं रखता हो। तो इस तरह का सोच नहीं होना एक जेंटलमैन होने की सबूत है, मिसाल है। फॉर लेट अ मैंस बर्थ बी एवर सो हाई,
his station ever so exalted or his fortune ever so large. चलो कि मानते हैं कि एक इंसान की जन्म एक बहुत अच्छे घराने में हुआ, एक अच्छे मतलब इज्जतदार फैमिली में हुआ और उसका रुतबा, उसका वक़ार बहुत ही उम्दा है, बहुत ही आला है, या उसका जो फॉर्चून है, उसका जो माल दौलत है वो बहुत ही ज़्यादा है। येट इफ़ ही इज़ नॉट फ्री फ्रॉम नेशनल एंड अदर प्रेजुडिसेस, मगर फिर भी अगर वो इस तरह के नेशनल या दूसरे तरह के तासुब या दूसरे तरह के क्या बोलेंगे उसको हम जो बदगुमानियाँ हैं उनसे अगर वो फ्री नहीं होगा, उनसे अगर वो आज़ाद नहीं होगा, आई शुड मेक बोल्ड टू टेल हिम, फिर मुझे तो उसको सामने जाकर बोलना पड़ेगा कि दैट ही हैड अ लो एंड वल्गर माइंड, कि उसका एक बहुत ही गहरा गिरा हुआ और बहुत ही एक तरह से हेबतनाक, एक बहुत ही पस्त ख्याल का वो इंसान है। एंड हैड नो जस्ट क्लेम टू द कैरेक्टर ऑफ ए जेंटलमैन, और उसका कोई हक नहीं बनता कि वो अपने आप को एक जेंटलमैन कहलवाए। And in fact, you will always find that those are most apt to boast of national merit. और आप लोग हमेशा पाओगे कि ऐसे ही लोग आमतौर पर जो कौमी सिफात होते हैं उनके बारे में मगरूर होते हैं, उनके बारे में तारीफें करते रहते हैं। Who have little or no merit of their own to depend on. ऐसे लोग जो अपने खुद का खसूसियात, खुद का शख्सियत इतना अच्छा नहीं होता कि जिस पर वो निर्भर हो पाए, इसलिए वो अपने देश के, अपने मुल्क का, अपने गांव का, अपने जगह की तारीफ करते रहते हैं। देन विच टू बी श्योर नथिंग इज मोर नेचुरल, और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि कौन सा इतना नेचुरल है। द स्लेंडर वाइन ट्विस्ट अराउंड द स्टडी ऑक, इसलिए एक हमें मिसाल देते हैं कि जो अंगूर के जो जो उसके प्लांट्स के जो पीसेस निकलते हैं, जो उसके स्टेम्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं आमतौर पर, वो ट्विस्ट करते हैं, वो राउंड एंड राउंड ग्रो करते हैं, एक हट्टे खट्टे अच्छे पौधे, अच्छे पेड़ के इर्द गिर्द वो राउंड एंड राउंड ग्रो करके आगे बढ़ जाता है। फॉर नो अदर रीज़न इन द वर्ल्ड, सिर्फ दुनिया में एक ही वजह से वो ऐसी चीज़ करती है, बट बिकॉज इट हैड नॉट स्ट्रेंथ सफिशियंट टू सपोर्ट इट, सिर्फ इस वजह से, इस मकसद से इसलिए करती है क्योंकि उस अंगूर के पौधे में खुद में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो खुद को सपोर्ट कर पाए, इसलिए वो किसी मजबूत शे को, मजबूत दरख को पकड़ कर उसके इर्द गिर्द घूम घूम कर ऊपर चली जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे जेंटलमैन हैं जो खुद का कोई कैरेक्टर नहीं होता, खुद कोई पावरफुल पर्सनैलिटी नहीं होता, तो ऐसे लोग जो खुद में कमियाँ पाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने कौम का, अपने मुल्क का तारीफ कर उसके बहुत ही ज़्यादा खसूसियात गिनवा कर अपने, मतलब एक तरह से अपने कमियों को, अपने खामियों को छुपाते हैं। शुड इट बी एलेज्ड इन डिफेंस ऑफ नेशनल प्रेजुडिसेस दैट इट इज़ नेचुरल एंड नेसेसरी ग्रोथ ऑफ द लव टू आवर कंट्री एंड दैट देयरफॉर द फॉर्मर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट हर्टिंग द लेटर, आई आंसर that this is a serious misconception and false belief. क्या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं, क्या फिर हम ऐसा इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं कि जो national prejudices का आना, यानी कि इस तरह का सोच आना एक बिल्कुल कुदरती बात है और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब इंसान अपने मुल्क से प्यार करने लगता है तो उसमें इस तरह के ख्याल आने लगते हैं, और अगर हम national prejudices का, उस तरह का ख्याल है उसको अगर ठेस पहुँचाएंगे, उसको हम मिटा देंगे, तो उसकी वजह से हमारा वतन का मोहब्बत भी कम हो सकता है, वो भी गिर सकता है, वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ऐसा अगर सोच है तो ऐसी सोच को मैं मानने से इनकार करता हूँ, ऐसा नरेटर हमें कहते हैं, और मैं मानता हूँ कि ये इस तरह का सोच होना गलत फहमी है और बिल्कुल ही झूठा अकीदा है। ओके, दैट इट इज़ द ग्रोथ ऑफ लव टू आवर कंट्री आई विल अलाउ, बट दैट इट इज़ द नेचुरल एंड नेसेसरी ग्रोथ ऑफ इट आई एब्सोल्युटली डिनाई, और ये कहना कि अपने देश से प्यार मोहब्बत करना, उसको बढ़ावा देना, ये मैं मानता हूँ, इसकी मैं परवाह करता हूँ, इसकी मैं फिक्र करता हूँ, मगर ये सोचना कि उसी वतन की प्यार मोहब्बत जो बढ़ रहा है उसी के साथ साथ हम में तासुब, हम में इस तरह के बदगुमान ख्याल आएंगे, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, ऐसी बात को मैं बिल्कुल पूरी तरह धिक्कारता हूँ, पूरी तरह इनकार करता हूँ।
सुपरस्टिशन एंड एंथुजियाज्म टू आर द ग्रोथ ऑफ रिलीजन। अगर इस हिसाब से हम कंपेयर करें, इस हिसाब से अगर सोचे तो मजहब जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसके जो शाखें हैं, उसके जो उससे जो निकलने वाली गलत चीज़ें हैं, जैसे कि अंधविश्वास या जोश का आना, बिल्कुल जोश में आकर होश खोने वाले जो मतलब जोश व खरोश में जो लोग काम करते हैं मजहब की वजह से, तो ये चीज़ें मजहब से ही ग्रो करती हैं, रिलीजन से ही ग्रो करती हैं। बट हु एवर टुक इट इन हिज हेड, मगर जो भी इंसान इस तरह के अंधविश्वास को अपने दिमाग में बिठाएगा, उस पर बिल्कुल उस पर हावी हो जाएगा इस तरह का सोच, टू अफर्म दैट दे आर द नेसेसरी ग्रोथ ऑफ दिस नोबल प्रिंसिपल। और ऐसे लोग ये सोचने लगेंगे, ये बताने लग जाएंगे कि मजहब के बढ़ने की वजह से, मजहब के किसी के मजहबी होने का मिसाल ये है कि वो बहुत ही एक तरह से अंधविश्वास वाला हो गया, बहुत ही जोश में काम करने वाला हो गया, तो इस तरह का सोच करना बिल्कुल गलत बात है। दे आर इफ यू विल द बास्टर्ड स्प्राउट्स ऑफ दिस हेवी प्लांट। हाँ, ऐसी बात सही है कि क्या बोलें कि इस तरह का जो सुपरस्टिशन है या उस तरह के बाकी खामियां हैं जो मजहब की वजह से आती हैं, वो अगर आप मानो तो एक तरह से वो बिल्कुल ही नाजायज इस तरह के पैदावार है, जो इस तरह के अच्छे उम्दे प्लांट जो हम रिलीजन को मानेंगे वहां से निकले हुए नाजायज और नाशाइस्ता उसके उसके शाखें हैं या उसके उसकी पैदावार है। बट नॉट इट इज़ नेचुरल इन जेन्युइन ब्रांचेस, मगर ये इसकी कुदरती और इसकी सही शाखें नहीं हैं, ये उसके नाजायज शाख नाजायज ब्रांचेस हैं। एंड मे सेफली एनफ बी लॉफ्ट ऑफ, और इसको आराम से आसानी के और मतलब सेफली मतलब सुरक्षा के साथ इस तरह के शाखों को जैसे कि हो गए सुपरस्टिशन, उनको हम आराम से काट सकते हैं, उसको आराम से अलग कर सकते हैं रिलीजन से विदाउट डूइंग एनी हार्म टू द पेरेंट स्टेम, और इस तरह करके हम उस रिलीजन के टहनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस तरह के गलत सोच विचार जैसे कि अंधविश्वास हो गया उसको काट के। ने परहैप्स टिल वंस दे आर लॉप्ड ऑफ दिस गुडी ट्री कैन नेवर फ्लरिश इन, क्या कहते हैं कि फिर ने परहैप्स टिल वंस दे वर लॉप्ड ऑफ दिस गुडी ट्री कैन नेवर फ्लरिश इन परफेक्ट हेल्थ एंड विगर। हाँ, मगर मैं इतना भी मानता हूँ कि जब तक ऐसे गैर ज़रूरत ऐसे बेकार की चीज़ों को काट कर नहीं फेंक दिया जाए, तब तक रिलीजन जैसा अच्छा सोच, रिलीजन जैसा उसूल वो अच्छे से फेल फूल नहीं सकता, वो अच्छे से उसको अच्छे से फैलना फूलना नहीं आएगा और वो एक अच्छे से तरक्की नहीं कर पाएगा, जब तक हम इस तरह के गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना सोच को मजहब से अलग नहीं करेंगे। तो ये फुल इस पूरे पैराग्राफ में राइटर हमें ये समझाते हैं कि कंट्री से मोहब्बत करना सही बात है, मगर उसके साथ साथ ये सोचना, ये गलत फहमी करना, ये बदगुमानी करना कि बाकी कौम गलत है, बाकी कंट्रियों के बारे में भला बुरा कहना और सोचना, ये एक कुदरती और ये एक ज़रूरी हमारी सोच नहीं है, बल्कि कंट्री से भी मोहब्बत करो, बाकियों के बारे में अच्छा सोचो। जैसे उसने रिलीजन का एग्जांपल देके सोचा, कहा कि रिलीजन एक अच्छी बात है अपनी जगह पर, मगर इसकी वजह से गलत चीज़ों का आना ये बहुत गलत बात है, इनको हम रिलीजन से अलग करना चाहिए हमें, और रिलीजन पर ही स्पेसिफिक फोकस करके रहना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, कल हम इसके जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।